नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मंडला नैनपुर से। नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता पर कन्या हाई स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज नगर पालिका नैनपुर के द्वारा कन्या हाई स्कूल में स्वच्छता ही सेवा को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक एवं डिस्पोजल प्रतिबंध और सिनेटरी पेड के उपयोग करने विषय पर एक कार्यक्रम छात्राओं के बीच किया गया। स्वच्छता ही सेवा पर प्रभारी प्राचार्य अनूप अग्रवाल सर द्वारा छात्राओं को बताया गया कि कचरा डस्टबिन पर डाले, स्कूल पर गंदगी ना करे। वरिष्ठ टीचर श्रीमती सुषमा मिश्रा के द्वारा छात्राओं को सैनिटरी पैड का उपयोग करने की सलाह दी गई। साथ ही छात्राओं के द्वारा स्वच्छता गीत गाया गया। ट्रैफिक बचना तो जिंदगी लाचारी है, फटेगा कभी भी प्रदूषण कबम, फटेगा कभी भी प्रदूषण कबम, बस एक कदम चाहिए स्वच्छता के लिए, बस एक कदम चाहिए स्वच्छता के लिए, आपकी जरूरत गया। नर्मदा नदी की महिमा पर भी गीत गाया गया। नगर पालिका स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर सत्येंद्र तिवारी द्वारा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में नगर पालिका कर्मचारी समस्त टीचर स्टाफ मौजूद रहा। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मंडला नैनपुर से सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। समाज का क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं? मेरा ये कहना, स्वच्छता ना केवल हमारे घर एवं सड़क तक के लिए ही है जरूरी है, बल्कि हमारा देश और राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान प्रत्येक गांव और शहर में प्रारंभ हो गई है। हमारा अभियान का मुख्य बिंदु है प्रत्येक सड़क से लेकर शौचालय तक का हमारा बुनियादी ढांचा को बदलना है और हमारा सोच में भी परिवर्तन लाना है। कोई फेस्टिवल अपन देखते हैं।